इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग भारी मात्रा में अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पास वक्त है, वक्त मिले तो नेटफ्लिक्स पर द सोशल डायलमा 1 घंटे 44 मिनट की फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। तो सवाल उठता है, आखिर इस 1 घंटा 44 मिनट की फ़िल्म में ऐसा क्या है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए। तो मैं आपको बताऊँगा, इस 1 घंटे 44 मिनट की फ़िल्म में ऐसा क्या है कि इसको देखने की अपील की जा रही है। दरअसल में ये जो फिल्म है, 1 घंटा 44 मिनट इसकी लेंथ है, और साथ ही साथ जो इसमें खासियत है वो ये है कि इसमें दिखाया गया है कैसे सोशल मीडिया से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी सोशल मीडिया में अपनी विचारधारा को इंजेक्ट करती है, इतने सारे ग्रुप बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ती है और काफ़ी कम पैसों में अपने पोस्ट शेयर करवाती है। किस तरह से कोई भी फर्जी खबर को सोशल मीडिया पर असली करके दिखाया जा सकता है, लोग उसको यकीन कर लेंगे, ये सब सोशल डायलमा में दिखाया गया है पूरा प्रोसेस। और ये प्रोसेस इंडिया में जो सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें आती हैं उनसे बहुत मिलता है। राजनीतिक पार्टियाँ जिस तरह से दूसरी पार्टियों के खिलाफ गलत विचारधाराएँ प्रमोट करवाती हैं उनसे बहुत मिलता है, और यही कारण है कि इन सब चीज़ों को देखने की अपील की जा रही है। तो सोशल डायलमा में कुल मिलाकर यही सब है कि कैसे सोशल मीडिया आपको पागल बना देती है, कैसे सोशल मीडिया को आपको बेवकूफ़ बना देती है, और कैसे सोशल मीडिया पर आपको अपने दोस्तों की तस्वीरें लाइक करने के अलावा, अपने दोस्तों के विचार देखने के अलावा बाकी किसी चीज़ पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया की। लेकिन इसके बावजूद अनवेरीफाइड सोर्सेज की जो न्यूज़ होती हैं, जो ज़्यादातर फेक होती हैं, उन पर हमारे देश के लोग बड़ी मात्रा में यकीन करते हैं। और ख़ास करके जो पॉलिटिकल पार्टीज ही किसी और नामों से पेज बनाए रखती हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ट्रोल करने के लिए, अपनी विचारधारा को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी सोच को जनता के लिए अच्छा दिखाने के लिए, लोग इस तरह के पेजेस के जाल में फंसते चले जाते हैं। और क्या अनपढ़ और क्या पढ़ा लिखा सभी इन जाल में ऐसे फंसते हैं कि उनको कोई सुधि नहीं रहती कि वो इस जाल में फंसाए गए हैं, बल्कि वो कोई असली खबर नहीं देख रहे। और यही कारण है कि सोशल डायलमा को देखने की लोगों से अपील की जा रही है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आपको भी एक निगाह तो मार ही लेनी चाहिए, अगर सब लोग अपील कर रहे हैं तो। और अगर बाकी बात करें तो आजकल देश में जितना कोरोना चल रहा है ये मीडिया में नहीं दिखाई देता, और इसीलिए लोग सोशल डायलमा देखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डायलमा में कहीं ना कहीं मीडिया भी शामिल है। मीडिया के द्वारा भी लोगों को का माइंड डाइवर्ट किया जाता है और जो रियल इशू है उनसे दूर लेकर जाया जाता है। और अगर आज के वक्त में जो मिडिल एज लोग हैं, 40-50 साल के लोग, अगर उनका ध्यान कोई सबसे अलग लेकर जा रहा है तो वो मीडिया ही है। और इसका श्रेय मीडिया को ही जाता है कि आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा है लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं देता, और इस तरफ ध्यान देता है कि कंगना रनौत का घर गिर गया। उसका खुद का घर नहीं चल रहा, उसको इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन करोड़पति कंगना का इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था वो क्यों गिर गया, उसको इस बात से दिक्कत है। और कहीं ना कहीं सोशल डायलमा में यही दिखाया गया है कि लोगों का माइंड डाइवर्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।